अटके नहीं, भटके नहीं और लटके नहीं लौका अहाँ सब गेंद जका खेला रहल छे। राज्य सरकार कह रहल छे जे केंद्र सरकार अटका भटका लटका रहल छे, अहाँ सब कह रहल छे जे राज्य सरकार अटका भटका लटका रहल छे, तो की कह जाबे? देश में पहिल राज्य छे बिहार जत दू टाइम से देल गेले, पटना में पहले से रहे और गंगा पार मिलले दरभंगा में, दरभंगा में एम्स मिलले, वही संगे गोरखपुर में एम्स मिलले, वही संगे झारखंड के देवघर में एम्स मिलले। दोनों जगह काज शुरू छे, इलाज शुरू छे, पढ़ाई शुरू छे, दरभंगा में आज तक किछ नहीं भेले। शोभन में छे और भाजपा द्वारा जे छे से त निश्चित कालीन अनशन पर बैसल छे सब गोटे, और सबसे बड़का बात छे कि एम्स के लौका चुनावी मुद्दा बन रहा छे। एखन दोनों सरकार एक्टिव छथि लेकिन बात ये छे कि एम्स बनत या नहीं, ये एक बड़का सवाल छे। हमरा सब संगे एखन बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी छथि, हुनका से बात करब और जानब जे सबसे पहले ये कहूँ सर कि तीन टा शब्द अटकेनाय, भटकेनाय और लटकेनाय लौका अहाँ सब गेंद जका खेला रहल छे। राज्य सरकार कह रहल छे जे केंद्र सरकार अटका भटका लटका रहल छे, अहाँ सब कह रहल छे जे राज्य सरकार अटका भटका लटका रहल छे, तो की कह जाबे? देश में पहिल राज्य छे बिहार जत दू टाइम से देल गेले, पटना में पहले से रहे और गंगा पार मिलले दरभंगा में, दरभंगा में एम्स मिलले, वही संगे गोरखपुर में एम्स मिलले, वही संगे झारखंड के देवघर में एम्स मिलले। दोनों जगह काज शुरू छे, इलाज शुरू छे, पढ़ाई शुरू छे, दरभंगा में आज तक किछ नहीं भेले। पहले सरकार कैबिनेट को जमीन दल के अहाँ के डीएमसीएच में 35 करोड़ से माटी भराई शुरू हो गए, अंग्रेज जमाना के मकान टूट गए, और जब सरकार बदल ले तो जगह बदल गए। हमरा सबके अब कहना है यही जे कतौ जत बने एत बने लेकिन अविलंब बने। 8 करोड़ मिथिलांचल वासी के चिर परिचित अभिलाषा छे, आगे यो पता हो जदयू और राजद के एक मात्र सांसद मनोज झा जी लिख कर दिल्कि सहरसा में एम्स बने, एम्स बनना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। कि केंद्र सरकार में राजनीति नहीं कर रहा है, विपक्ष कह रहा है जे सब अनशन को कहा सब नौटंकी कर रहा है, चुनावी मुद्दा बना रहा है। विपक्ष के तो हम कह रहा लिया ना जे नौटंकी हम कहली कि नौटंकी ऊ कलकिन के कहलक जे अशोक पेपर मिल में बनते, के लिख कर दलक जे सहरसा में बने भाजपा, भाजपा के तो काजो शुरू रहे, एम्स के डायरेक्टर आबि गेल हथिन, एम्स के सचिवालय छलैए, एम्स के झंडा फहरा दलक डायरेक्टर, तब कह लेल तो जे विकास विरोधी छथि उ तो किछ बाज सकै छथि। जखन अहाँ सब जदयू संगे गठबंधन में छलिए तखन एते मुखर भका ई सब पर अनशन किया नहीं के लिए किया तखन एम्स के मुद्दा? जदयू में रही तो काज शुरू भ गेल रहे, 35 करोड़ के माटी भरा गेले, अंग्रेज जमाना के बड़का बड़का मकान टूट गेले, एम्स आ के डायरेक्टर आके झंडा फहरा दलकै, ते पर प्रधानमंत्री जी कहलखिन जे अखन पढ़ाई शुरू रहते 150 विद्यार्थी जैमे 75 विद्यार्थी गरीब गुरबा परिवार के रहते, डॉक्टर के एम्स के पढ़ाई रहते, एम्स में MBBS के पढ़ाई रहते शुरू में, कह ले तो किछ कहथिन? संगत से गुण होता, संगत से गुण जात, नीतीश कुमार जी के जे संगत भेल न ते के परिणाम है। लोकसभा से लौकर विधानसभा चुनाव तक मिथिला के जे भूमिका छे जे सरकार बना में से बहुत बड़का रहे छे, ते के बावजूद मिथिले क्या हमेशा घाटा में रहे छे और ये एम्स 8 साल से एखन तक टेल रहल छे, बाकियों कोनो उन्नति जे छे से मिथिला में नहीं देखा रहल छे, एम्स पर आखिर बनते एते एम्स बनते? राजनीति करे वाला सब के पता छे अगला चुनाव में भ जतन, मिथिलांचल के जनता बुखार झाड़ देतन आ सब दशा भ जतन, एम्स बनते दरभंगे में बनते और एते ही बनते। जिनका बिहार के योगी कहल जा रहल छन से सब की हम उनके से पूछे चाहबे जे कहीं अहां सब चुनावी स्टंट त नहीं कर रहल छी एम्स के मुद्दा? अभी तो मिथिलांचल के लिए जे कहियो
फोर लाइन हम ही दिलिए, मिथिलांचल दू भाग में बटल रहे, कोसी महासेतु हम ही दिलिए, मैथिली कस्टमर सूची में हम ही दिलिए, राशन हम ही दिलिए, 100 स्टार्टअप रहे, 1 लाख स्टार्टअप भ गए इंडिया में हम ही दिलिए, 5म अर्थव्यवस्था दशम से 5म अर्थव्यवस्था हम ही लिये, तो कहल बाजल तो कि बाजि सकते थे लोग। मिथिलांचल नहीं संपूर्ण देश के आशा है भारतीय जनता पार्टी, हमर सबके विश्व नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अनशन कहिया तक चलते? जब तक चलते तल तो चलते, लेकिन जब तक आकर नहीं कहते जब हम माटी ताटी भरा दी छी आ हम सब तुरंत एनओसी दे देबन तब तक चलते रहते है। तो पहले एनओसी मांग रहा चाहे तहन सब तैयार से करल जाए त्वरित अहूँ तो देखबे के लिए की दशा है, मंच टूट गए मकान जो बनते देखबे के लिए स्थिति की छे तक बनते धीरे जरूर। तो सुनलो अपने सब जे हरिभूषण ठाकुर जे विस्पी सब विधायक छथि हुनकर की बयान छनि आज आई से जनसन ओ सब अनिश्चितकालीन शुरू केलथि और एम्स के मुद्दा पर तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दुनू गोटे एक दोसर के बॉल फेंक रहल छथि। अभी देख आब वाला समय तय करते जे एम्स कतौ बनते, दरभंगा में बनते जरूर लेकिन 2025 से पहले बनते शुरुओ हेते कि नहीं तकर जे बात छै से आब हमरा सबके आब वाला समय में पता चलत। फिलहाल इएह छै कि इहो सब अनशन पर बैसल छथि और विपक्ष पार्टी सेहो जे छै महाधरना क क प्रदर्शन कऽ रहल अछि, लेकिन आखिर बात ई नहि पता चलि रहल छै जखन दुनू गोटे धरना पर छथि उम्रो से धरना पर बैसल जा रहल छै इम्हरो से अनशन कयल जा रहल छै तऽ आखिर चाहि के नहि रहल छथि, किनकर मनसा नहि छनि जे एतय एम्स बनै। शोभन के ई जमीन पर छी जतय एम्स बनऽ वला छै, अपने लोकनि देख सकै छियै जे जमीन छै से काफी गड्ढा छै और एहिमे मिट्टी करण हेनाइ जे छै से सबसँ बेसी अविलम्ब जरूरी छै। आब ई NOC भेटला के बाद मिट्टीकरण होय या मिट्टीकरण भेला के बाद NOC भेटे से ई दुनू सरकार अपना में तय करथि, लेकिन हमर सबके सवाल एकेटा जे मिथिला एहिसँ वंचित नहि रहे कियाकि मिथिला बहुत बड़का भूमिका दुनू चुनाव में निभाबैत अछि चाहे ओ लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। टफन XT600 HCR TMT रिबा पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।